वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए बनी पांच बड़ी पहेली, क्या होगा रोहित एंड कंपनी का गेम प्लान। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को हो रहा है, 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हुई हालिया सीरीज और एशिया कप में रोहित एंड कंपनी के लिए कई सवाल खड़े हुए। आज उन्हीं सवालों पर हम आपसे बात करेंगे और समझाएंगे आपको और बताएंगे भी आपको, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर दीजिएगा। वेस्ट इंडीज फिर एशिया कप 2023 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज फतेह करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब सीधे वर्ल्ड कप के मोर्चे पर उतरेगी। रोहित शर्मा पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कमान संभाल रहे हैं। 2011 के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से घरेलू सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी। ऐसे में एक बार फिर से इतिहास दोहराने का मौका है। वर्ल्ड कप 8 अक्टूबर को चेन्नई के चपाक स्टेडियम में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी, लेकिन इससे पहले अब भी कई सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को नहीं मिल पाया है। दरअसल हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले इतने प्रयोग कर डाले कि टीम इंडिया के फैंस भी कंफ्यूज हैं। देखा जाए तो अब तक यह तय नहीं है कि टीम इंडिया के पास ऐसे कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में सारे मैच खेलेंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज दौरा, फिर एशिया कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों के दौरान प्रयोग की नई मिसाल साबित की गई। अब फाइनल टीम इंडिया वर्ल्ड कप के मोर्चे पर खेलने के लिए उतरेगी, लेकिन अब भी टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन में पांच ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर टीम इंडिया को हल ही नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, विकेट कीपिंग को लेकर टीम इंडिया में प्रयोग चरम पर है। ईशान किशन ठीक ठाक कीपिंग कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल का फिटनेस चेक करने के लिए ईशान किशन की जगह उनको एशिया कप में ग्लव्स दे दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के मोहाली में 22 सितंबर को खेले गए पहले वनडे मैच में केएल राहुल ने एक के बाद कई मौके छोड़े। सूर्या का हाथों में आया थ्रो उन्होंने छोड़ दिया। इस मैच में कई मौके पर वह गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए, कई बार उन्होंने गेंद छोड़ी। इसका नतीजा हुआ कि इंदौर में ईशान किशन ने कीपिंग की। अगर बात की जाए सभी टीमों के लिए वर्ल्ड कप 2023 में टीम में बदलाव करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर यानी कि आज है। इस तारीख के बाद टीम में यदि कोई किसी भी तरह का बदलाव करना है ये अनुमति आपको आईसीसी से लेनी होगी। वहीं टीम के साथ 3 ट्रेवल रिजर्व लेकर चलने की अनुमति है। आईसीसी के इस नियम के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या टीम इंडिया के स्क्वाड में बदलाव होगा। अक्षर पटेल इस समय चोटिल हैं, उनके इंजर्ड होने की वजह से आर अश्विनी और वाशिंगटन सुंदर जैसे ऑफ स्पिनर को टीम में मौका मिला। जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी उन 15 सदस्यों में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है। ऐसे में स्पिन फ्रेंडली पिचों पर बाएं हाथ के विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए यह एक ऑफ स्पिनर का टीम इंडिया में होना बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइम स्पिनर की बात कर ली जाए, ग्लेन मैक्सवेल ने राजकोट में 27 सितंबर को हुए तीसरे वनडे में 4 बल्लेबाजों को आउट किया। ऐसे में एक सवाल उठने लगा कि एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर जब कमाल कर सकता है तो अश्विनी जैसा रेगुलर और एक्सपीरियंस स्पिनर क्या कमाल नहीं कर सकता था। वहीं अगर देखा जाए तो टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी होगी यह अभी भी तय नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले कुछ वनडे मैचों में लगातार अपनी टीमें बदली हैं। हालांकि कप्तान रोहित कह चुके हैं टीम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर लगातार टीम बदलना टीम इंडिया पर कहीं भारी ना पड़ जाए। टीम इंडिया में अगर बात की जाए तो बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज नहीं है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को चुना। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी पेस गेंदबाजी के विकल्प में होंगे, लेकिन फिलहाल टीम में कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं है। हम लोगों के ध्यान में एक बात आती है 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया में जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे पेसर्स बाएं हाथ के ही थे। जहीर ने 2011 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 21 विकेट झटके थे। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। क्या वर्ल्ड कप में एक्सपेरिमेंट
जो टीम इंडिया का रहेगा ये जारी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से टीम इंडिया लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, चाहे गेंदबाजी में देख लें, चाहे आप बैटिंग में देख लें, चाहे कीपिंग में देख लें, क्या वर्ल्ड कप द्रविड़ और रोहित शर्मा का एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा, इस बात पर भी सवाल बने हुए हैं। राजकोट में 27 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में वाशिंगटन सुंदर को बतौर ओपनर उतार दिया, जबकि वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं है। ऐसे में इस बात पर सवाल उठे, वहीं टीम इंडिया लगातार वर्ल्ड कप से पहले सीरीज में लगातार बल्लेबाजी क्रम बदलती जा रही है। वैसे 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच से इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि कौन टॉप 11 खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे। तो बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमको 8 तारीख को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होगा उसमें हो सकता कि वो सारे सवालों के जवाब मिल जाए। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, आप लोग किस बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ वर्ल्ड कप में उतरना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।